गाइस देव की गाड़ी पे भी अपना अपना स्टिकर लगा देते हैं। अभी हम लोग है जलियांवाला बाग के थिएटर में। ये वॉल पे बुलेट मार्क लिखेंगे, जो फायरिंग हुई थी, मैसिव फायरिंग हुई थी उसके। एंड अभी हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से 300 मीटर या कुछ ही दूर होंगे। हेलो गाइस, हम अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर आ चुके हैं। व्लॉगिंग करते भी है साथ में, फ्रेंड से बात भी करते हैं। सो गाइस, दिस इज द गोल्डन टेंपल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट्स योर ट्रैवल विद डीसी विद दिस न्यू व्लॉग। सो यस, हम लोग अमृतसर में और आज हम लोग घूमने वाले हैं गोल्डन टेंपल, जलियांवाला बाग और अटारी बॉर्डर। सो अभी बज रहे 11 और हम सब रेडी हो चुके हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड है जैसे मैंने बोला, उनकी शॉप पे। दो अमृतसर बंद है बट उनको मैंने कॉल किया, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए आपकी, तो देव को लेने जेरी कैंस और मुझे मेरी बाइक का टी जो है वो सही कराना है। ये उन्होंने बोला आ जाओ जल्दी से फटाफट, हम कर देते हैं। एंड वो थम्पर्स कैफ़े के भी है, सो ऑब्वियस है कि थम्पर्स कैफ़े वाले कहीं भी पीछे लैग नहीं करते। अभी निकल रहे हैं हम लोग, रेलवे स्टेशन है इधर, उसके नीचे एक ब्रिज है, उधर वो भैया है संदीप भैया, उनकी शॉप है, तो उधर जा रहे हैं। थोड़ा ये टी सेक्शन, इधर जो टी सेक्शन आता है ना वो लूज़ हो गया, तो गाड़ी खटाक जैसे आवाज़ करती है। एंड यस, गुरजीत होटल, अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो और अगर आप हम लोग अमृतसर जाने वाले हो तो गुरजीत होटल थोड़ा अंदर है, बट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट होटल। सो गाइज यस, अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हमारी बाइक का कराने। जेरी कैंस तो नहीं मिलेंगे बट ये रही अंकल की होटल हिंदुस्तान मोटर्स, जो लास्ट टाइम हम आए थे और हमारी बेस्ट फ्रेंड इधर ही कराई थी हिमालय की। ये है हमारे संदीप जी, अगर आप लोग अमृतसर आ रहे हो तो आओ ये शॉप पर, अगर आपको कुछ भी चीज़ें लेनी है, कुछ भी बाई करना है तो। नो प्रमोशन कुछ भी नहीं, दोस्त है। सो यस गाइस, देव की गाड़ी पे भी अपना अपना स्टिकर लगा देते हैं। सो यस गाइज, अभी एक जगह पे आए हैं, ध्रुव लोग वो शॉप पे ही खड़े हैं और मैं कंकल उनके साथ इधर आया हूँ। गराज पे टाइट करने के लिए देख रहे हैं कि एटलीस्ट टाइट हो जाए, पठानकोट में तो है ही रॉयल एनफील्ड का, तो उधर भी करा देंगे एक बार, पड़े एक बार इधर भी हो जाए। अभी हम लोग आ गए होटल पे एंड बाइक पार्क कर ले क्योंकि जलियांवाला बाग जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल जाएंगे और अभी भी जाएंगे और शाम को भी जाएंगे, बट अभी सबसे पहले हमको लगी है भूख, क्योंकि ध्रुव लोगों को भी लगी और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि मैंने कल रात को डिनर भी नहीं किया था और मैं सो गया था। बाकी तो आज अमृतसर पूरा बंद है बट कुछ हुआ था 1975 या कोई वो टाइम में, उसके वजह से आज पूरा अमृतसर बंद है। ये तो हमारे दोस्त है संदीप अंकल, तो उन्होंने हम लोग को ओपन करके दी शॉप। सो अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है कुलचा, जो मैं कल रात को नहीं खा पाया था, ये लोग ने खा लिया था। अभी लंच करते हैं, लंच नहीं ब्रेकफास्ट, अब मिक्स ब्रंच करते हैं। हाँ थैंक यू, हाइजीन रहो, क्या पहले है हाइजीन है, हाइड्रेटेड रहो। सो गाइस, ब्रेकफास्ट को अच्छे से कर लिया है एंड अभी जा रहे हैं जलियांवाला बाग। सो गाइस, अभी हम लोग हैं जलियांवाला बाग के थिएटर में, जहाँ पे आपको बताते हैं कि जलियांवाला बाग मसेगर में क्या क्या हुआ था। इधर डू विजिट इट। सो गाइज, हम लोग तो एक बार आ चुके हैं, स्पेशली ये ध्रुव और देव पूरा देख रहे हैं, मैंने तो एक बार देख लिया है एंड व्लॉग भी कवर कर लिया है, तो आपको डिटेल में व्लॉग नहीं आएगा जलियांवाला बाग का, लास्ट व्लॉग इसके ऊपर ही था, लास्ट टाइम जब अमृतसर आया था वो वाला व्लॉग। ये वो वेल है जहाँ पे लोगों ने अपनी जान दी थी, लोगों ने दौड़ दौड़ के जब वो फायरिंग हो रहा था तो इधर आके अपनी जान दी थी। एंड आपको ये वॉल पे बुलेट मार्क्स दिखेंगे, जो फायरिंग हुई थी, मैसिव फायरिंग हुई थी उसके, हर जगह पे अपन बहुत जगह पे प्रिजर्व करके रखे अभी भी। दिस आर द बुलेट मार्क्स, ये बहुत सारे, आगे की साइड भी बहुत सारे हैं, सब बताते हैं, बट अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अभी हमको जाना है गोल्डन टेम्पल और इधर से बाइक लेके जाना है, तो फटफट से निकलते हैं इधर से। द स्टोरी बिहाइंड बुलेट मार्क्स इज दिस, कि क्यों और कैसे जनरल डायर ने ऑर्डर दिया विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें इधर लिखी हुई है। एक बार आओ और फिर जाओ यूएसए, कनाडा, सब जगह पे।
गाइस प्रॉब्लम ये है कि होटल तो अच्छी है बट जो निकलने का रास्ता है ना वो कुछ ऐसा है, आपको गोल्डन टेम्पल जलियांवाला बाग वो सब बाजू में ही दिखेगा। प्रॉब्लम ये चीज़ का है कि ये जो बाहर निकलने का रास्ता है बहुत लंबा, गलियों में से भूल भुलैया वाला, और ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता हुआ खड़ 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 खड़। रॉयल एनफील्ड जब तक नहीं बताऊँगा तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। सो गाइज इतना भी अंदर नहीं है, पास में ही है रास्ता आ गया तुरंत ही। वो हम लोग सुबह कोई और रास्ते चले गए थे। तो गर्मी बहुत लग रही है हमें, अभी बज रहे हैं 2:30 आई थिंक। सो हम लोग थोड़े जल्दी है, क्या प्रॉब्लम है क्योंकि उधर जाके भी हमको चलना ही है, तो जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाते हैं। एंड इधर से ये वाघा बॉर्डर स्ट्रेट है, स्ट्रेट कोई टर्न नहीं कुछ भी नहीं। तो हाँ फूल और अपने पर्स का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है ठीक है। अंदर रश बहुत ज्यादा होता है, 30-40 हजार गाड़ी है। अच्छा बाद में भीड़ में कोई सामान निकालते हैं। अच्छा ठीक है अंकल, थैंक यू। अभी हम लोग जा रहे हैं अटारी बॉर्डर सामने ही है। रिक्शा ले लिया क्योंकि इतनी धूप में चलना नहीं था। सो आपको इधर रिक्शा पड़ेगी 100 रुपीस, हम लोग 3 जन को 100 रुपीस मिले। तो अभी देव का हेलमेट है तो इधर सामने एक डिपॉजिटरी है, उधर जाके रखना है हेलमेट। अंदर अलाउड नहीं होता है हेलमेट। हम लोग ने एंट्री ले ली है, कुछ 15 मिनट्स के लिए लाइन में खड़े थे। आपको सामने दिख रही है वो है अटारी बॉर्डर। सो गाइस इधर से आपको जो दिख रहा है वो है इंडिया का ट्रेड गेट। एंड अभी हम लोग सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर या कुछ ही दूर होंगे। कभी वो साइड बाइक लेके जाने का मौका मिले तो जाएंगे, क्या बोलते हैं? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। हेलो गाइस, हम अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर आ चुके हैं बट अभी बॉर्डर नहीं खुला है इसलिए हम शॉपिंग और वो सब कर रहे हैं। ये थोड़ा छोटा सा शॉपिंग जैसा मार्केट है इधर, और इधर एक रेस्टोरेंट भी है। उनका रेस्टोरेंट का नाम है शाही किला। उनकी हेडलाइन है भारत का सबसे पहला और लास्ट रेस्टोरेंट यही है। तो यस गाइस गोइंग टूवर्ड्स अटारी बॉर्डर। आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं, इधर बहुत ही आवाज़ है बट लास्ट टाइम हम लोग वो साइड बैठे थे। पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे हैं बट अभी फाइनली कुछ तो वो बिल बोर्ड पर दिखाए तो मतलब चालू होगा। एंड भीड़ बढ़ गई है, पब्लिक आ गई है, ऊपर अभी भरना बाकी है बट वो भी धीरे धीरे आने लगेगी, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा पब्लिक भी आती जाएगी। सो गाइस अभी तो आपको मेरी यही ज़रा भी आवाज़ आने नहीं वाली और कॉपीराइट भी आ जाएगा। सो आगे की क्लिप्स एंजॉय करो। ब्लॉगिंग करते भी है साथ में, फ्रेंड से बात भी करते हैं। देखो कितना मेहनती आदमी है, सब काम करता है। देखिए आपको आगे से व्यू दिखाते हैं हम लोग। अरे आप ट्रिप पे आए ना, सो ये आप किससे बात कर रहे हैं प्लीज बताएं मुझे, किससे बात कर रहे हैं आप ब्लॉग बना रहे हैं ना, ऐसे कौन आपको डिस्टर्ब कौन करता है? जाके आए हम लोग अटारी बॉर्डर। सो भाई कैसा लगा? बहुत ही सही था, सैल्यूट टू इंडिया। बहुत ही बेस्ट था, बेस्ट। माहौल कैसा था? अरे एकदम एनर्जेटिक, पूरा एनर्जेटिक। सो यस गूसबम्स प्लस टीयर्स प्लस पेट्रोइज्म, सारी चीज़ें एक साथ आपको मिलती है अटारी बॉर्डर पे। सो यस आ गए हैं हम लोग रूम पे। तो भाई नहा धो के जाएंगे गोल्डन टेम्पल, लंगर में खाने जाएंगे। सो दिन अच्छा था, मज़ा आ गई, शॉप्स बंद थी बट ओके, हमारा सारा काम जो हमको घूमना था वो हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, लेट हो गया ऐसा लग रहा है बट ये लास्ट टाइम जैसा ही हम लोग दर्शन के लिए लेट हो गए थे। सामने ही होटल के थोड़े पीछे तो फटफट से पहुँच जाएंगे।
आपको थोड़ा और जूम इन करके दिखा रहा हूँ। प्लीज़ कभी लाइफ में एक बार विजिट करो, बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस होगा सच में। गोल्डन टेम्पल से बट ऑब्वियस है कि मैं टेम्पल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूँगा। बट यह हम लोगों ने लंगर खाया एंड बहुत सारी चीज़ें भी हो गई, लाइक हम लोग लाइन में खड़े थे, लाइन जब हमारे टर्न आने वाला था अंदर जाने का तभी टेम्पल का दरवाज़ा बंद हो गया, 11 बज गए थे। देन बाजू में से जगह थी तो बाजू में से हम लोग गए, हमारे बाद ही वो वाला दरवाज़ा भी बंद हुआ। सो या डे वॉज फाइन, डे वॉज गुड। अटारी बॉर्डर भी बहुत बढ़िया था। कल जा रहे श्रीनगर, बहुत सारे काम है और कल से तो माउंटेन्स भी चालू हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे भी व्यूज़ मिलने वाले हैं। जो आप खाली रोड हाईवे हाईवे देख रहे थे, अभी माउंटेन्स आने वाले। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स योर ट्रैवल विद डीसी साइनिंग ऑफ।